एलोकेशन को समझ पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे जो करना है। आईएएस या आईपीएस बने, डंडा नहीं हिलाना होता, डंडा घुमाना बहुत छोटी बात है। आईएएस आईपीएस बनने के बाद, स्पेशली आईएएस बनने के बाद, आपको देश के सारे रिसोर्सेस को मैनेज करना होता है। और जो व्यक्ति भाई आप आईपीएस ही बन गए, सभी राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े अपराध के आपके सामने रखे हुए हैं, आपके जिले में पिछले 5 साल के अपराध के आंकड़े तुलनात्मक रूप से कोई वेन डायग्राम चार्ट में है, कोई टेबल में है, कोई ग्राफ में है, और आप कह रहे हैं किसी को बुलाओ भी समझा के बताओ क्या लिखा है इसके अंदर। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ आपको मैं, जो लोग आईआरएस बन के जाते हैं ना इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, उनके जो जूनियर्स होते हैं असिस्टेंट, वो आते हैं एसएससी से, ठीक है, एसएससी जानते हैं ना, और एसएससी में क्या पूछते हैं, गणित आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, और वो गणित रीजनिंग इंग्लिश में इतने इतने हाई लेवल के लोग होते हैं, जबरदस्त उनकी पकड़ होती है इन चीज़ों में, रीजनिंग उनसे आप रीजनिंग चलते पूछिए, सभी गधे कुत्ते बोलेंगे हाँ हैं, चलो आगे बताओ, सारे कुत्ते गिलास हैं, ऐसे जवाब देंगे इतना बढ़िया है। और वो बनते हैं रेवेन्यू में असिस्टेंट, तो वो असिस्टेंट है, यानी प्रमोशन के बाद बनेगा ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर, और ITO लंबी प्रमोशन के बाद बनेगा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि आप बनेंगे ज्वाइनिंग के दिन ACIT। और ये SSC वाला व्यक्ति 11 साल के सर्विस के बाद ACIT बनेगा, जो आप D1 पे बनेंगे। असली बात आप सुनो, कई ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स होते हैं, IRS बन गए, अकाउंटिंग आज तक सीखी नहीं है क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़े अकाउंट्स, आर्ट्स पढ़े हुए थे, मैथ्स आता नहीं है, CSET में रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन से काम चल गया था, क्वालिफाई कर लिया था, इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी माध्यम से हैं, इंग्लिश उतनी ही आती है कि बाई चांस क्वालिफाइंग पास हो गया मेंस में, पीली चिट्ठी नहीं आई, ठीक। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत सारे लोगों में होता है, बहुत लोगों में, और इंटरव्यू ठीक से हुआ, सीधे IRS में लैंड किया, ट्रेनिंग हुई IRS की, ट्रेनिंग में आते हैं CA, इनकम टैक्स एक्ट सिखाते हैं, और इस आदमी के दिमाग का धुआं हो जाता है इनकम टैक्स एक्ट समझ के, इनकम टैक्स कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, और इसको लग रहा है कि अरे यार औरंगजेब कहाँ चला गया, हमें तो उसमें मजा आता था, ये क्या क्या सिखा रहे हैं हमें और क्यों सिखा रहे हैं। उसके बाद फाइनल हो गया, ट्रेनिंग पूरी, ट्रेनिंग में पास करना ट्रेनिंग एकेडमी की नैतिक जिम्मेदारी होती है, वरना UPSC पर सवाल उड़ जाता है, इसलिए आप वहाँ कितना भी खराब पढ़े अंत में पास करवा देते हैं, यहाँ तक कि चीटिंग का ऑर्गेनाइज सिस्टम काम करता है वहाँ पर, कि भैया पास होना है आपको, UPSC की प्रतिष्ठा का सवाल है, किसको सुन के भेज दिया है, तो आखिरी एग्जाम में जब देखता है ऐसे पास नहीं होगा, इन्विजिलेटर बाहर चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कि हम चाय पी के आ रहे हैं, आप अधिकारी लोग हैं, समझदार हैं, चीटिंग नहीं करेंगे, हम 10 मिनट में आ रहे हैं, इसका संकेत स्पष्ट होता है कि भाई है ना 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट काफी है, एग्जाम आसान है, और 10 मिनट में उसके बाद रामराज्य स्थापित होता है, और उसके बाद फिर सब लोग पास हो जाते हैं, तो इनको लगता है हमारा झंझट तो खत्म हुआ, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगी बाद में, फिर वो फील्ड में जाते हैं, अब एक जिला या एक छोटा जिला उसके हाथ में असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स, उससे बस 3 असिस्टेंट हैं, एक ITO है। दावे से कह रहा हूँ कि 90% केसेस में असिस्टेंट्स को लगता है कि ये आदमी बना कैसे IRS। 90% केसेस में ऐसी स्थिति होती है, मतलब IRS ऐसे भी IIT वाला था और IAS एग्जाम दिया, IRS हो गया, जब वो बन गया था तो ऐसे थे प्रभु आप आए IRS बन गया, तब तो प्रभु वाले मूड में रहते हैं, कोई ह्यूमैनिटीज वाला हिंदी माध्यम वाला पहुंच जाए वहां, जिसको मैथ्स के नाम से भूत आता हो जिसको, फिर देखिए असिस्टेंट्स को धीरे धीरे क्या होता है, काम सारे असिस्टेंट करते हैं, कोई काम है सर बोलते हैं अरे भाई चौधरी साहब देख लो क्या है ये, कुछ इंग्लिश में लिखा आप देखो क्या लिखा है, इसका टैक्स कैलकुलेट करना जरा कैसे करते हो कैलकुलेट तुम लोग यार कैसे करते हो, इसको लगता कि हम तो जैसे करते, भाई तू आया कैसे यहाँ पर, तुम यहाँ पहुंचे कैसे, ये हालत हो जाती है। और उसके बाद जब केस की सुनवाई, भाई साहब जज भी तो है, असिस्टेंट कमिश्नर होने का मतलब है कि आप जज हैं, जज का मतलब इनकम टैक्स या GST के मामलों में आप जिस भी सर्विस में हैं उसके केसेस आपके पास आएंगे, किसी पे आपने भेजा एक पत्र भेजा कि आपका टैक्स ठीक नहीं लग रहा हमें, तो डिस्कशन करनी होगी, केस कर दिया, वो आदमी आया, उससे वकील भेजा अपना, वो वकील LLB प्लस CA है, आमतौर पे टैक्सेशन के वकील CA प्लस LLB होते हैं, वो वकील है, वो पिछले 10, 20, 25 साल से इनकम टैक्स के केसेस देख रहा है, इनकम टैक्स एक्ट उसको पूरा रटा हुआ है, तो देखता नहीं है वो, सीधे पेज नंबर बोलता है, पेज नंबर या चौथी लाइन दूसरा शब्द ऐसे बोलता है, और सारा इंग्लिश में बोलता है, सामने जज साहब बैठे हैं
जज साहब ने इनकम टैक्स एक्ट ठीक से पढ़ा क्योंकि एकेडमी में वो बाकी कामों में व्यस्त थे। अंग्रेजी ठीक से आती नहीं, कैलकुलेशन करनी आती नहीं है, कोई बोल दे 3000 का 20% है तो 5 मिनट रुको यार, 3000 × 30 × 20/100 दो जीरो यहाँ से कटी, 30 × 20 = 600 दो ढाई मिनट के बाद बोले हाँ 600 आगे बताओ। आप समझ रहे हैं कि जो वकील सामने खड़ा है, इधर दूसरा वकील खड़ा हुआ है, दो तीन असिस्टेंट खड़े हैं, वकील असिस्टेंट को देख के पूछ रहे हैं क्या ये खड़े, हमें क्या पता कौन आ गया क्या करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप IRS बन के ऐसी छवि लेके जिए तो ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा आदमी मर जाए। ये जीना भी कोई जीना लल्लू, जीवन तो थोड़ा सुंदर होना चाहिए ना। इसलिए भाई ठीक से समझिए इस बात को, इन चीज़ों को तरह गौण मत मानिए, इन स्किल्स को ठीक से इम्प्रूव करें। खैर ये बताइए, किसी भी सिविल सर्विस में ठीक परफॉर्म करने के लिए बहुत बेसिक सब मैथ्स, गुणा भाग जमा घटा फास्ट कैलकुलेशंस और डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल को चार्ट को बनाना समझना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो UPSC अगर इतनी सी अपेक्षा कर रही है तो क्या बुरा कर रही है? इतनी अपेक्षा इसी पर सड़क पर उतर जाते हैं लोग, ये क्या करवा रहे हो हमसे।